प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम आराध्य सत्ता के पावन चरण कमलों में ऋषि युग्म को अंतःकरण की गहराइयों से हम सभी शिष्य बंधुओं बहनों का अखंड चरण वंदन अखंड दीपक के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन होता है 84 लाख योनियों में अन्य पशु पक्षी और प्राणियों को अपने परंपरागत ज्ञान को सिखाने और सीखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में सच्चे अर्थों में ऐसे 3 गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है जो मनुष्य को एक शिष्य रूप में उस यात्रा को प्राप्त करना होता है। सबसे पहली यात्रा, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है और हम उसके शिष्य होते हैं। सोच के देखिए, सबसे पहली बार वह हमारी गुरु माँ थी जिसने हमें देखना, सुनना, बोलना, चलना और विभिन्न प्रकार के पारिवारिक रिश्तों का और आसपास की वस्तुओं का हमें परिचय कराया। यह हमारी पहली गुरु है। इसके बाद हमारे जीवन में पिता संसाधन दे करके हमारी मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए जिस गुरु के पास भेजते हैं, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, निश्चित समझना वो शिक्षक हमारे जीवन में उस भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करा देता है जिससे हम अपने जीवन की भौतिक पूर्तियों के लिए ज्ञान अर्जन करके पैसा कमाने की आकल ले सकते हैं। कृषि व्यवसाय या अपना परंपरागत जो भी जीवन यापन का तरीका है वह हमें मिल जाता है उस शिक्षक से, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर के ज्ञान चक्षुओं को खोल करके हमें भौतिक जगत से पदार्थ शक्तियों की जानकारी दे देता है। इन दोनों गुरुओं के बाद एक महान गुरु की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहें जो हमें आत्मबोध करा दे, जो हमारे स्व का परिचय करा दे, जो हमारे जीवन की अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदल करके अनंत संभावनाओं का जागरण करा दे, हमारे अंदर की जन्म जन्मांतरों की पाश्विक पशु प्रवृत्तियों को देव प्रवृत्तियों में उन्मुख कर दे, ऐसे गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही गुरु की तलाश में जो भी प्राणी जगत में आता है मनुष्य योनि में, उसको निश्चित रूप से इसका बोध कराने के लिए अपने जीवन में एक शिष्य की भूख होनी चाहिए, एक शिष्य की मन में इच्छा होनी चाहिए, मुझे एक समर्थ गुरु चाहिए। और ऐसा ही क्रम, बड़े भाव से मैं कहूँगा, हृदय से कहूँगा, हम सबके जीवन में जो ऋषि युग्म का जीवन क्रम जो हमें मिला हुआ है, ये निश्चित रूप से कई अनंत जन्मांतरों की पूंजी लेकर के हम लोग धरती पे आए, जिसके परिणाम से सब सुलभ हुआ। भाइयों बहनों, बड़ी घटना मार्मिक है, युग ऋषि के पिता श्री परम पूज्य सद्धे पंडित रूप किशोर जी शर्मा जी, माता दानकुरी देवी, जिनके जीवन को हम यूं समझ लें, मनु और शत्रुपा की तरह उन्होंने तप करके इस विश्व मानवता के करोड़ों करोड़ों लोगों के भाग्य और भविष्य को बनाने के लिए, दुख दर्द और पतन पीड़ा को मिटाने के लिए
धर्म संस्कृति संस्कारों की आत्मा को जन्म दिया और उस आत्मा की जब उम्र अनंत अनंत काल की संभावनाओं को लेकर के भौतिक उम्र जब उनकी 10 वर्ष की हुई, वैसे गुरुदेव के पिता श्री भगवत ज्ञान के प्रकांड विद्वान और आगरा जनपद के पूरे समाज के मानवीय गुणों के और संवेदनाओं के जागरण के लिए दूर दूर तक उनकी ख्याति और कीर्ति हुआ करती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने जिज्ञासा रखी, पिता श्री आप कहते हैं कि 10 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत, मेरा यज्ञोपवीत कब होगा? भाइयों बहनों, गुरुदेव के पिताजी उन्हें बनारस ले गए और वहाँ पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ये घटना को आप समझना, एक शिष्य बनने के लिए मालवीय जी ने चलते चलते 4 बातें बताई थी। गुरुदेव ने बाल्यावस्था तो थी, जैसे हम आपके बच्चे कैसे हमसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे उनकी जिज्ञासाएं होती है, ऐसे ही गुरुदेव अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के अपने पिता श्री को बनारस से लौटते समय ट्रेन में जो उन्होंने बातचीत करी, एक शिष्य की जिज्ञासा ने पिता श्री के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य को उन्हें बोध करा दिया कि एक शिष्य को कैसा बनना चाहिए। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने 4 बातें पूछे। बोले पिताजी, जब मालवीय जी ने मेरा यज्ञोपवीत किया तो उन्होंने कहा था कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो मैं तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, तो फिर नया ब्राह्मण कौन सा, अब और कौन सा ब्राह्मण बनना है? गुरु जी के पिताजी ने बहुत अच्छा समझाया। बोले बेटा, जिस वंश में व्यक्ति जन्म लेता है, जिस कुल घराने परिवार में जन्म लेता है, वहाँ के बहुत सारे रीति रिवाज संस्कार सीखने के बाद भी अपने अंदर का जो छुपा हुआ गूढ़ ज्ञान होता है, उसके लिए कुछ अवलंबन की आवश्यकता होती है। और वो उन्होंने 3 अवलंबन जो चलते चलते बताए, वो बड़े महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सबसे पहला अवलंबन बताया था गुरु जी को कि बेटा, तुम्हें अपने जीवन में प्रज्ञा का जागरण करना पड़ेगा और रितंबरा प्रज्ञा को वरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम इसका वरण नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर का ब्राह्मणत्व विकसित नहीं होगा, ब्राह्मण के घर जन्म लेना और ब्राह्मणत्व का जागरण करना, इसके लिए तुम्हें प्रज्ञा की आवश्यकता होगी। गुरु जी के पिताजी समझाते हैं, बेटा एक शिष्य को सबसे पहले प्रज्ञा को समझना चाहिए, और प्रज्ञा का मतलब होता है हमारा कारण शरीर, और कारण शरीर में सबसे बड़ी चीज होती है जिसका नाम है श्रद्धा। और जब हमारी श्रद्धा जब फलित होने लगती है तो हमारा कारण शरीर चैतन्य होने लगता है श्रद्धा के बल पर। और जो श्रद्धा शक्ति है, ये आपके अंतर प्रज्ञा चक्षु को खोलती है, जिसके माध्यम से आपकी गुरु भक्ति का निर्माण होता है। तो निश्चित समझना, सबसे पहले शिष्य के अंदर यज्ञोपवीत के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से उसकी श्रद्धा का जागरण होता है और वो उसके प्रज्ञा चक्षुओं को खोल देती है और उसको श्रद्धा को भावनाओं में बदल देती है। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धा जब भावना का रूप ले लेती है, तब फिर पत्थर में भगवान दिखने लगते हैं, नदियों में माता दिखने लगती, गाय में माँ दिखने लगती, तुलसी में तुलसी माँ दिखने लगती है। तो सबसे पहले हमारे भक्ति को जागृत करने का काम श्रद्धा करती है और वह हमारा कारण शरीर का जागरण है। दूसरा बताया प्रज्ञा शक्ति का जागरण। बेटा दूसरी तुम्हें
ज्ञान शक्ति के जागरण के लिए, ज्ञान योग की चेतना को जागृत करने के लिए सूक्ष्म शरीर को जगाना पड़ेगा। और सूक्ष्म शरीर में जो भी कुछ तुम्हें जानकारियां मिलेगी, ये तुम्हारी ज्ञान योग की प्राप्ति का मूल आधार होगा। और भाइयों बहनों, इसके जागरण के लिए जो उनको विचार शक्ति गुरुदेव के द्वारा मिली, उसको उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुसंधान करना प्रारंभ किया। ये हमारे सूक्ष्म शरीर की साधना, ये हमारे मन की शक्ति को अपार संभावनाओं से जोड़ने की साधना है। क्योंकि बिना प्रज्ञा से, बिना मनोमय कोष के जागरण के गुरु तत्व का अनुसंधान नहीं कर पाएगा व्यक्ति। और तीसरा बताया उनको, बेटा जब उन्होंने चलते चलते कहा था कि तुम्हें शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए एक अडिग दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता पड़ेगी, और निष्ठा किसकी है, स्थूल शरीर के। और ये स्थूल शरीर की निष्ठा जब जाग जाती है तो शिष्य के अंदर के संपूर्ण प्रकार के जितने भी अभाव होते हैं, जितने भी कष्ट कठिनाइयां होती है, उनको वो अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर, अपने स्थूल शरीर से वो अर्जित करने के लिए अपने पूरी सामर्थ्य को झोंक देता है। ये उसके स्थूल ताकत बताई। बेटा इससे तीन उपलब्धियां होगी आपके जीवन में। सबसे पहले तो आपके जीवन में चरित्र का निर्माण होगा जो गुरु भक्ति से होता है। तो जो कारण शरीर है हमारा, उससे हमारा चरित्र बलवान होता है। और दूसरा आपका निर्माण होगा सूक्ष्म शरीर, जो आपका चिंतन परिष्कृत करेगा, आपके चिंतन को गुणग्राही बनाएगा, बहुत ऊंचे स्तर पर आपको सोचने की शक्ति देगा, अति मानस देगा। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बताया, बेटा जब तुम गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे स्थूल शरीर में एक शिष्य की व्यवहार कुशलता कैसी होना चाहिए, उसकी उपलब्धि तुम्हारे स्थूल जीवन में प्राप्त होगे। एक शिष्य के जीवन की यात्रा का पहला चरण पंडित मदन मोहन मालवीय जी से प्रारंभ हुआ। 2 साल बाद पिता श्री का महाप्राण हो गया और 15 वर्ष की आयु में गुरुदेव की इतनी पात्रता बढ़ गई कि उनके जन्म जन्मांतरों की शक्तियों ने उनकी ओर सात्विक तरंगों के कारण अवतरित होने का मन बना लिया। भाइयों बहनों, ये बात ध्यान रखना, गुरु तत्व को शिष्य के अंदर प्रवेश करने के लिए पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि गुरुओं की कमी है, गुरु तो होते हैं, एक पात्र शिष्य होना चाहिए। और जो भी दिया जाता है पात्र शिष्य में दिया जाता है। तो दादा गुरुदेव देवात्मा हिमालय से ईश्वर की योजना को लेकर के, ऋषियों के संकल्प को लेकर के अवलखेड़ा की पावन धरती के ऊपर 20 जनवरी 1926 की बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने का समय था। गुरुदेव जागे, 15 वर्ष की उम्र थी और एक शिष्य अपनी आंख बंद करके साधना में लीन थे। ऐसे समय में जब उनको प्रकाश शरीर के दर्शन हुए, कमरे में अद्भुत सुगंध आने लगी, एक दिव्य गुलाबी प्रकाश आने लगा, भयभीत तो होना था क्योंकि उम्र छोटी थी, जिज्ञासा भी होना था क्योंकि कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उस परम मंगलमय शिष्य ने एक बात कही, तुम कौन है, तुम मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने उनका परिचय दिया, बेटा हम तुम्हारे कई जन्मों के बारे में जानते हैं, तुमने इस धरती पर आने के पूर्व संत कबीर के रूप में, संत रामदास स्वामी के रूप में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, और इस समय तुम्हें एक महान कार्य करना है, इन 3 जन्मों से भी बढ़ करके एक महाविद्या का जागरण करना है, वो भी विश्व मानवता के लिए। इसके लिए तुम्हें विशेष रूप से चयन किया गया, हिमालय ने, ईश्वर ने तुम्हारा चयन किया है। और तुम ऋषि संकल्प के लिए तुम एक महान शिष्यत्व की यात्रा को प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। गीता का वो महावाक्य गुरुदेव के कंठ से मुखरित हुआ, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही होगा, मेरा आत्मसमर्पण आपके चरणों में। भाइयों बहनों,
जैसे शिष्य अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण गुरु चरणों में कर देता है, उसके बाद की स्थिति क्या बनती है? आत्मबल के धनी होने के कारण, एक शिष्यत्व की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण, इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा लेखन, इतने बड़े अभियान को राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान के लिए, युग सृजेताओं के निर्माण की टकसाल खड़ी करने के लिए उनके अंदर एक अध्यात्म की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का चुंबक प्राप्त हुआ, और जिसका परिणाम देख लीजिए। हम आप लोग जो भी इस शिष्य यात्रा में जो आगे आए हैं, तो अब गुरुदेव क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, मैंने आपको चेला नहीं बनाया है, मैंने अनुयायी नहीं बनाया किसी को, मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का धर्म और अध्यात्म का एक आडंबर और व्यापार और मूढ़ मान्यताओं को पोषित करने वाला कोई किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का तंत्र खड़ा नहीं किया है। मैंने सुसंस्कारित पुण्य आत्माओं की खोज करी और उसके बाद में इनका चयन करके इन पुण्य आत्माओं के अंदर मैंने देव मानवों की शक्ति को परखा है। और भाइयों बहनों, आज जितने भी गायत्री परिवार में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम गुरुदेव की नजरों में उनके अंग अवयव हैं, हम एक देव मानव हैं। ये मान करके चलो कि अब हमें गुरुदेव की तरह एक शिष्य की परीक्षा को भी जरूर देना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के निर्देशों के साथ अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए, जैसे मैंने करी। गुरुदेव समझाते हैं कि जैसे मैंने मालवी जी के निर्देश पर, दादा गुरु के निर्देश पर एक शिष्य की यात्रा करी, आपको तो मैंने अपना अंग अवयव मान लिया, मैंने आपको देव मानवों की तरह वर्ण कर लिया, लेकिन एक शिष्य के जीवन के लिए गुरुदेव ने कुछ मापदंड रखे हैं, ये गंभीर सूत्र हैं। सबसे पहले युग ऋषि कहते हैं, एक शिष्य के जीवन में सबसे पहले अनुशासन आना चाहिए। अच्छा, गुरु मंत्र जब ही फलित होता है, जब ये सात चीजें हमारे अंदर आती है, जब शिष्य बनने की पात्रता विकसित होती है, सबसे पहले हम अनुशासन मानने को तैयार हो जाएं, उसके बाद में हमारे जीवन में पुरानी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए हमें अपने आप पर अंकुश लगाने के लिए एक नियंत्रण आना चाहिए, क्योंकि बगैर नियंत्रण के हम अपनी भावुकता के अतिरेक में या ज्ञान और विज्ञान के समन्वय के साथ संवाद के तर्क कुतर्क में भटक भी सकते हैं। इसलिए अध्यात्म में नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगला उन्होंने कहा, अपने जीवन में एक गुरु और शिष्य के बीच के जीवन की मर्यादाओं की एक व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, शिष्य अपने जीवन में दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु मर्यादा को और जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के पहलू को भूल जाता है। इसके बाद में युग ऋषि लिखते हैं कि एक शिष्य को अपने जीवन में तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने दिया, जो हमारे जीवन के अंदर एक नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला सूत्र है हमारे जीवन का, जिसमें कुछ हमारे जीवन में नियम होना चाहिए। अब जैसे गायत्री परिवार के जो भी नियम है, उन नियमों का हमें बिल्कुल शिष्टाचार के रूप में जरूर पालन करना चाहिए। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो गुरु तत्व को, ईश्वर तत्व को आकर्षित करते हैं। जब तक शिष्य में कोई बड़े सिद्धांत नहीं पैदा होते हैं, जब तक अगला देने वाले हमें सोचता रहता है दूं कि नहीं दूं, क्योंकि कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके बल पर हम गुरु शक्ति को अर्जित करने के लिए एक शिष्यत्व में आकर्षण पैदा करते हैं। सातवां तत्व आता है, हमारे जीवन में त्याग और परमार्थ की भावना होनी चाहिए। जब तक हम त्याग वृत्ति से और परमार्थ भावना से जब तक गुरु तत्व की शक्ति की सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं, जब तक वो देने वाले का मन कहीं ना कहीं कचोटते रहता है कि दूं कि नहीं दूं। आत्मबोधी व्यक्ति के जीवन में ही गुरु तत्व आत्मगुरु के रूप में विकसित होता है। ये बात तो तय हो गई कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु चेतना है, गुरु शक्ति है, तो मेरे अंदर एक शिष्य में गुरु का मिलेगा। तो युग ऋषि बताते हैं कि तुम्हें आत्मदेव को गुरु मानना है,
आत्म गुरु के साथ तुम्हें हिलमिल करके रहना है। आत्म गुरु और तुम दो एक होकर के काम करो। तुम्हारा शरीर और मन आत्म गुरु के इशारे पे कार्य करें। अच्छा, हमने देखा भी है कई बार हमारा शरीर और मन यदि किसी जगह पर गलती करता है तो हमारा आत्म गुरु जरूर हमको टोकता है, रोकता है और हमें बचाने की कोशिश करता है। हम बचे ना बचे, वह हमारी सामर्थ्य हमारी दृढ़ता पर है। तो हमें आत्म गुरु की ओर, आत्मबोधि की ओर प्रेरित करता है। अच्छा, गुरु हमें तीन चीजें अपने जीवन में शिष्य रूपी खेत में बो देता है, बीज रूप में। सबसे पहला तो गुरु अपने प्राण का एक अंश दे देता है। गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों को अपने प्राण का अंश देने के लिए उस महाप्राण की सविता की शक्ति को स्वयं सूर्य बनकर के अर्जित किया और हम आपके जीवन को प्राण अंश दिया और तपोमय बनकर के तप का एक अंश दिया हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए। इसके बाद में हमारे जीवन को पुण्य मार्ग पे बढ़ाने के लिए उनके पुण्य का अंश दे करके, जैसे बेटी जब घर विदा होती तो पिता कुछ उसको दे देता है घर की बरकत के लिए, घर के प्राथमिक व्यवस्था के लिए। किसान खेत में कुछ ही दाने बोता है लेकिन जब फसल लहलाती है तो किसान मालोमाल इसलिए होता है कि उसने उन बीजों की रक्षा के लिए बाद में भी कुछ किया है। भाइयों बहनों, ये शरीर हमारा जो है शिष्य रूपी खेती है और गुरु रूपी किसान ने इसके अंदर एक बीज बोया है और ये गायत्री महामंत्र रूपी बीज हमारे जीवन में ऐसा विकसित होना चाहिए जो हमारी श्रद्धा विश्वास की उर्वरा भूमि पर ये पकता है। जितना हमारी श्रद्धा और गुरु मंत्र के प्रति हमारा विश्वास होगा उस उर्वरा भूमि के ऊपर ये बीज गलेगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेना एक अलग बात है, टेप रिकॉर्ड बोल देती है। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं लिया वो भाई बहन बोल देते हैं, दुनिया के कई लोग बोल देते हैं, लेकिन उनके लिए गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र और रिद्धि सिद्धि का दाता इसलिए नहीं हो सकता है कि उन्होंने गुरु मुख से उनका वर्ण नहीं किया है और दूसरा उसके ऊपर गुरु की श्रद्धा से और अपने आत्मविश्वास से उसको जपने की नियमित उपासना का बल उसमें नहीं जोड़ा है। उर्वरा भूमि में शिष्य उसको जब पोषित करने लगता है तो यही 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र उसके जन्म जन्मांतरों की, इस लौकिक अलौकिक जगत की अनेक संभावनाओं को जागृत करता है। तो शिष्य के लिए गुरुदेव लिखते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध आत्म परिणय है। जैसे एक बेटी का परिणय किसी पुरुष के साथ हो जाता है ना, ऐसा ही हमारी आत्मा का विवाह गुरु के साथ अर्थात परमात्मा सत्ता के साथ गुरु ने करा दिया है। अब हम लघु चेतना से विराट चेतना के साथ हो गए, अब ये बूंद सागर बन चुकी है, अब ये बूंद नहीं बची है। यदि ये बूंद बूंद है तो ये फिर पानी है, लेकिन ये बूंद को यदि आपने सागर में मिला दिया तो अब ये बूंद नहीं बची तो सागर का रूप ले चुका है। ये अनंत रत्ना को, अनंत बहुमूल्य वस्तुओं को पैदा कर सकता है जो हमारे जीवन में दे सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यदि ये घटना घट गई कि मैंने अपने जीवन में गुरु पे श्रद्धा विश्वास कर लिया है, तो फिर एक बात ध्यान रखना, गुरु इतना अनजान अपरिचित और अबोधी नहीं है कि जिससे कुछ मांगना पड़े। तो एक बात तय करना है कि हमें गुरु से मांगना कुछ नहीं है, एक शिष्य को देना सब कुछ है, देना सब कुछ है, बस देना ही देना है, बस देना ही देना है। जिस दिन शिष्य ने विचार कर लिया है कि मुझे अपने गुरु के लिए गलना ही गलना है, देना ही देना है, आपको मांगना नहीं है, जिस दिन हमने मांगना शुरू कर दिया उस दिन ये हो जाएगा कि हमारी श्रद्धा और विश्वास में कमी है कि हम मांगेंगे तो देगा, हम कहेंगे तो उनको पता लगेगा। वो तो त्रिकालज्ञ अंतर्यामी है, क्योंकि वो चेतना का पुंज है, वो आपके दसों दिशाओं में हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए शिष्य को
ये भान और भाव होना ही चाहिए। गुरु के प्रति प्रेम भावना, आत्म प्रेम होना चाहिए, विश्व प्रेम होना चाहिए। और गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य आत्मविस्तार इतना कर ले, इतना विस्तार कर ले कि फिर मेरे को किसी एक तस्वीर में नहीं, एक चेहरे में नहीं, जहां जहां से इस पूरे दुनिया की, विश्व की किताब खुली किताब है, इस खुली किताब में से वो पढ़े। और एक बात तय है कि गुरु और शिष्य के बीच में कुछ छुपा हुआ है तो गुरु कैसा। एक बात तय है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में हम सब भाई बहनों से कुछ भी छिपाया नहीं है, कोई गोपनीयता उन्होंने रखी नहीं है, सब उनके साहित्य में पूरी महाविद्या को उन्होंने उड़ेल के रख दिया। यदि आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे तत्व को, जीवन विद्या के निर्माण के पूरे तत्व को एक साथ उकेर दिया कि जिससे कि आप अपने जीवन की संपूर्ण सामर्थ्य को पहचान सके, कुछ गुप्त नहीं रखा। हमारा ऋषि कहता है कि जब मैंने गुप्त नहीं रखा, सारा शिष्यों के लिए मैंने धरोहर बांट दी, उनमें सबका हिस्सा है। बस अब हमें चाहिए कि हम आत्मविस्तार कितना करें, कहां कहां से सीख सकते हैं। जैसे गुरु दत्तात्रेय भगवान ने जब तक उनके अंदर शंका थी, प्रश्न थे, तर्क वितर्क थे और दुर्गुण देखने की नियत थी, जब तक उनको गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं हुई वो भटकते ही रहे, भटकते रहे। स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा और कहना पड़ा कि तुम्हारी शिष्य जिज्ञासा तो है लेकिन गुरु तत्व में तुम चूक करते हैं, तुम्हें तो बुराई से बुराई में भी एक अच्छाई खोजना है। वो परिणाम, सर्प को गुरु बना लिया, कबूतर को गुरु बना लिया, कुत्ते को गुरु बना लिया। और आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ देखा उन सभी प्राणियों के सद्गुणों को समुच्चय मान करके गुरु तत्व की खोज कर ली। ये बात तो पक्की है कि शिष्य अपने गुरु तत्व का निर्माण अपनी दृष्टि से खुद करता है। कहा ना चक्षुर मिलम, गुरु हमारे चक्षुओं में बैठा हुआ है, चक्षुओं में लिप्त हो गया है, चक्षुओं में उसने वास कर लिया है। अब हमें प्रज्ञामयी चक्षु से, भावनामयी चक्षुओं से दिव्य चक्षु हमको गुरु ने खोल दिए हैं। अब हमें अपने शिष्यत्व के भाव से हर जगह से सीखने को मिलता है। अगला सूत्र में गुरुदेव लिखते हैं कि गुरु के प्रति हमारी जो भी कुछ श्रद्धा है वो एक प्रेम ज्योति के रूप में होनी चाहिए। और वास्तव में जब प्रेम ज्योति भीतर जग जाती है तो फिर कोई भ्रम, भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा और कोई किसी प्रकार की, तेरे मेरे की, छोटे बड़े की और कोई भावना रह नहीं जाती है। यही तो गुरु प्रेम की ज्योति का कमाल है। गुरु प्रेम ज्योति में क्या करता है, हमारे अंदर की शुद्रता को जलाता है और महानता को पोषण करता है। और हमें भी वैसा बनाने की, हमें भी वैसा प्यार देने की और उस जगह पे देखने की कोशिश करता है जहां वो जाते हैं। यही तो तत्व की बात है। हम कई बार गुरु की प्रेम ज्योति को हम कई बार बुरा मान लेते हैं। सिद्धांत किसको अच्छे लगते हैं, अनुशासन किसको अच्छे लगते हैं, सिस्टम किसको अच्छा लगता, सिस्टम को तोड़ना, व्यवस्था को तोड़ना, अनुशासन को तोड़ना, इसमें आदमी अपनी बड़प्पन समझता है, अपना पद समझता है, अपना अधिकार समझता है, अपने जीवन का कहीं ना कहीं गुरु के कार्य में भी प्रदर्शन चाहता है और गुरु ऐसा नहीं चाहता है। और वास्तव में गुरु से जुड़ने के बाद गुरु के कार्य में यदि ये चीजें आ रही है तो अभी भी हमने गुरु के आत्म प्रेम को नहीं जाना है। और गुरु का आत्म प्रेमी व्यक्ति जरूर गुरु की आत्म ज्योति के साथ मिलने की साधना करता है। सच्चा शिष्य अपने गुरु के चरित्र को 24 घंटा नित्य स्मृतियों में रखता है, क्योंकि गुरु का चरित्र ही अपना चरित्र है, गुरु का कार्य ही अपना कार्य है। गुरु के जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को जो गुरु ने लिया है उसके लिए एक शिष्य क्या करता है, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने अंतःकरण का बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। ये बात तय है भाइयों बहनों, एक शिष्य को अपने गुरु के कार्य के लिए अपने शरीर का, अपने मन का और अपने अंतरात्मा का, अंतःकरण का बड़ा से बड़ा बलिदान भी करना पड़े। तो जैसे कबीर कहते हैं ना, शीश दिए गुरु मिले
तब भी सस्ता सौदा है ले लेना, ये मान करके चलना कि अपना अहंकार मिटा करके, अपनी वासना तृष्णा मिटा करके, अपना पद पैसा जाति रूप रंग अधिकार मिटा करके गुरु के साथ में अपना सब कुछ खोल देना ही शिष्य का कर्तव्य है। और जब तक ये भाव उसके अंदर नहीं आते भाइयों बहनों, जब तक अधीरता बनी रहती है, तो गुरु के कार्य के लिए सदैव धैर्य पूर्वक लगे रहें, पात्रता बढ़ाते रहें। देख लीजिए, हमारे सामने इतिहास साक्षी है। यदि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को यदि कुछ दिया है तो शिष्य की लगन निष्ठा पात्रता पर दिया है। यदि गंगा पुत्र भीष्म पितामह को परशुराम ऋषि ने कुछ दिया है तो उनकी प्रतिज्ञा पर दिया है। और वो छोटे छोटे बच्चों को, यदि लवकुश को, यदि वाल्मीकि ऋषि ने कुछ विद्या, युद्ध कौशल और जीवन विद्या का, राज विद्या का कुछ ज्ञान दिया है तो उन बच्चों ने राजपाट के वैभव को छोड़ा और अभाव में रह करके ऋषि वाल्मीकि के घर में अपना जन्म से प्रसव काल तक का और शिक्षा दीक्षा उपनयन तक का कार्य संभाला। सोच लीजिए, एक शिष्य का निर्माण वैभव में नहीं होता है, तप और त्याग और कष्टों में होता है। ये लवकुश के व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं। देख लीजिए अरुणी को, धौम्य ऋषि के आश्रम की जब मिट्टी बह रही थी तो अरुणी ने अपने गुरु के खेत की मिट्टी को रोकने के लिए अपने देह को लगा दिया और शरीर को मेड़ बना दिया। भाइयों बहनों, ऐसे शिष्यों की आज आवश्यकता है। देख लीजिए एकलव्य को, महाभारत में तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे एकलव्य, पांच पांडव भी और 100 कौरव भी, लेकिन तीनों की गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास अलग अलग था। और तीनों की पात्रता में जमीन आसमान का अंतर क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु को जैसा देखा वैसे उनकी भक्ति बढ़ी। कौरव ने उनको नौकर समझा, पांडवों ने उनको केवल आचार्य समझा और एकलव्य ने उनको भगवान की तरह, गुरु को परमात्मा का अंश मान करके एक मिट्टी के टीले में अपनी श्रद्धा को आरोपित करके गुरु भक्ति को बढ़ाया। और उसका परिणाम देख लीजिए, महाभारत के योद्धाओं में जहां अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, ऐसा ही एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। और गुरु दक्षिणा में हंसते हंसते उसने अपना अंगूठा दान करके पूरे महाभारत के पात्रों से अलग हो गया। देखो गुरु भक्ति का कमाल, कि जब गुरु के मांगने पर अवसर आया तो सारा का सारा वैभव गुरु के चरणों में दान भी कर दिया, जबकि उन्होंने स्थूल रूप से मार्गदर्शन नहीं दिया था। एकलव्य की गुरु भक्ति ने ही शिष्यत्व भाव जगा करके गुरु तत्व को प्राप्त किया था। यह तो तय हो चुका है। यदि कबीर अपने जीवन में राम नाम की दीक्षा के लिए भटकते रहे, लेकिन रामानुज आचार्य ने उनको दीक्षा नहीं दी, लेकिन जब वो देखते थे कि गंगा किनारे काशी के घाट पर जाते हैं तो घाट पर सो गए, उनके ऊपर जैसे कदम रखा, अरे राम 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 राम, केवल इतना ही बोला रामानुज आचार्य जी ने, और इतने में कबीर बोल उठा राम राम राम। उनका मेरी दीक्षा हो गई, मुझे गुरु मिल गया। भाइयों बहनों, गुरु के घर के जीवन में हमारी कितनी भी बड़ी अभाव और कष्ट कठिनाई हो, यह हमारे गुरु को सब कुछ जानकारी है, बस वो तपा रहा है। वह हमारे जीवन को कहीं न कहीं परीक्षा पर परीक्षा लेकर के हमें निखार रहा है, और हमें निखरना है, शिष्य भाव से निखरना है। और इन गुरु चरित्र का जो अभी हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा, और यही बात समझ में आई कि बस अब तो हमें शिष्य बनने के लिए वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता है। आज करोड़ों गायत्री परिवार से दीक्षित लोग हैं, इतना बड़ा मिशन का विराट अभियान, इसको कौन पूरा कर सकता है? जिसमें आत्मविश्वास होगा। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु से जुड़ने के बाद यदि सबसे पहली उपलब्धि कोई होती है वो होता आत्मबल, और आत्मबल को प्राप्त करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि असंभव जैसे कार्यों को संभव कर सकता है। भाइयों बहनों, अब आत्मविश्वास बढ़ता कैसे है और आत्मविश्वास घटता किन कारणों से है, मैं आपको ले चलता हूं परम पूज्य गुरुदेव की उस परामर्श के स्थान पर, युक्त शांति कुंज हरिद्वार में।
युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का वो स्थान जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने अपना वो 75 वर्ष का गुरुदेव का वो चेहरा याद कर लीजिए। आप में से कोई शांति कुंज गए हो तब हम जीना चढ़ रहे हैं, अब वो कक्षा आ गया है जहाँ एक हल्की सी क्रीम कलर की चादर भीची है और हल्का सा एक खादी का कुर्ता और पतली धोती गुरुदेव पहने हुए हैं और भाव में बैठे हैं। और उस कमरे में 20-25 शिष्य बैठे हुए हैं, उनमें हम आप भी बैठे हुए हैं। अब गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। अब उन्होंने जो लिखा है आत्मविश्वास जागृत करने के 6 सूत्र और आत्मविश्वास को घटाने वाले 4 कार्यक्रम, तो ये 10 बातें आपको गंभीरता से सुननी है। यदि आप जीवन की अंतिम सांस तक शिष्य की पात्रता चाहते हो तो मेरे गुरु भाई बहनों, मैं आपसे प्रणाम करके कहता हूं कि जब भी आपके जीवन में कई भ्रम भटकाव पैदा हो तो किसी और जगह मत आप भटकना, आप गुरुदेव से मिलना, वो आपको बताएंगे। तो आइए अब परम पूज्य गुरुदेव उनके कक्ष में हम सबको बिठा चुके हैं, अब हम बैठ चुके हैं, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, कोमलता से नेत्र बंद कर लीजिए। अब आप मुझे देखना बंद कर दीजिए, आप यही भाव करिए कि मैं शांति कुंज में गुरुदेव के परामर्श कक्ष में बैठा हूं और वहां पर गुरुदेव भगवान कार्यकर्ताओं की जो गोष्ठी ले रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 6 सूत्र बता रहे हैं और 4 सूत्र वो बता रहे हैं जिससे आत्मविश्वास घटता है। तो आइए आप उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, जैसा वो बोलते थे वैसा ही मैं आपको उन्हीं की लिखी हुई वाणी बता रहा हूं। ये अखंड ज्योति जनवरी 2004 की प्रश्न क्रमांक 40 पे लिखा हुआ है, उसको मैं आप बोल रहा हूं। समय लगेगा 2.5 मिनट का मौन। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के साथ कार्यकर्ता गोष्ठी में बैठे हुए हैं, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कुछ विशेष सूत्र बता रहे थे। ऋषि मुख से उच्चारित किए गए इन मंत्रों को अपने जीवन में धारण करके कोई भी आत्मविश्वास का धनी बन सकता है। पहला सूत्र, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अभिन्न अंश हैं, इस पर हमारा अटल विश्वास एवं गहरी आस्था है। दूसरा, हमारे आराध्य की समस्त शक्तियां हम में विद्यमान है, बस उन्हें केवल प्रयोग भर करना है, ऐसा भरोसा रखिए। तीसरा, हम किसी भी कठिन से कठिन काम को करने में सक्षम है, पर उसे हमारे इष्ट के स्वरूप हमारी अंतरात्मा के सात्विक गुणों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी भी अवस्था में कोई गलत कार्य नहीं करता है। चौथा सूत्र, जीवन की कठिनतम परिस्थितियां बस एक चुनौती भर है, न कि विपत्ति। चुनौती के अनुरूप हमारे सत साहस का जागरण होना ही चाहिए। पांचवा सूत्र, जिसे हम विपदा अथवा संकट कहते हैं, वह दरअसल हमारी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए प्रभु प्रेषित माध्यम भर है, इससे अधिक कुछ नहीं है। छठा अंतिम सूत्र, आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के जीवन में 3 ही मंत्र होते हैं, संकल्प, साहस और विजय। इसके लिए संघर्ष के क्षण खुशियों से भरे त्योहारों के समान है, जिसमें आत्मशक्ति का भरपूर विकास होता है। ध्यान दीजिए, अब 4 सूत्र गंभीरता से सुनेंगे। आत्मविश्वास के जागरण में होने वाली बाधाओं के बारे में पूज्यवर एक बात विशेष गंभीरता से कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे बड़ी बाधा 4 चीजों की है। नंबर 1, चिंता करने की आदत
जो निरंतर चिंता करते हैं उनका आत्मविश्वास कभी भी समर्थ नहीं बन पाता है, चिंता चिता बन जाती है। दूसरा, ईर्षा की प्रवृत्ति। दरअसल ईर्षा तभी पनपती है जब आप स्वयं हीन और दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम सब कभी भी किसी से कम नहीं हो सकते हैं। तीसरा, संदेह एवं भ्रम भी हमारी एकाग्रता एवं स्वयं पर भरोसा नहीं होने देते हैं। चौथा, अंतिम सूत्र, शंका एवं संशय से जो ग्रसित हैं उनमें सदा आत्मविश्वास का अभाव रहता है। इन दुष्प्रवृत्तियों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो नियमित उपासना, नियमित जीवन साधना, नियमित लोग आराधना के लिए अपना समय दान, अंशदान, ज्ञान प्रभाव और सद प्रवृत्तियों का जागरण और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन में सतत गुरु भक्ति के महामंत्र में हम लगे रहें। और गुरुदेव ने हम बच्चों से दो चीजें जो मांगी है कि मेरा शिष्य अपने जीवन में सतत नियमितता लाए, सतत धैर्य पूर्वक मुझे देखता रहे और मेरे जैसे बनने की नियमित अल्प अवधि में भी हम महाप्रज्ञा अवतार के अंश प्रज्ञा अवतार बनने की पात्रता हासिल कर सकते हैं। आने वाली गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020 देवी योग से रविवार के दिन आ रही है और गुरुदेव माता जी देवात्मा हिमालय से अखंड दीपक के प्रकाश से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा की भाव चेतना से समाधि स्थल से हम सब बच्चों को अपने अपने घरों में मिलेंगे और हम उस दिन नहा धो करके गुरुदेव और माता जी की आवाज में 24-24 बार गायत्री मंत्र का 4 बजे से 5 बजे के बीच में गुरु मिलन ध्यान करेंगे। गुरुदेव कह के गए हैं भावी मिलन का उत्तम समय है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में आप 24 बार माता जी की आवाज में, 24 बार गुरुदेव की आवाज में आप महामंत्र को जरूर सुनेंगे। आप देख रहे हैं इन दिनों अखिल विश्व गायत्री परिवार में करोड़ों करोड़ों गायत्री परिजन है और उसका परिणाम देखिए, इतने बड़े सामूहिक यज्ञ, इतने वृक्षारोपण, इतनी बाल संस्कार शालाएं, इतने गांव को नशा मुक्त बनाना, इतनी ग्राम तीर्थ यात्राएं करना, इतने लोगों के घर में गौ पालन कराना, इतने लोगों के जन जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करके शुभ प्रवृत्तियों का संकल्प कराना, ये सब धर्म के आध्यात्मिक मंच के माध्यम से हुआ। जिस काम को सरकार करे उसके लिए बड़े बड़े बजट फेल हो जाए, उस काम को केवल आपने आस्था शक्ति के जागरण से कर दिया और वो आस्था शक्ति का ब्रह्म अस्त्र हमारा किसी का भी कम नहीं होना चाहिए और किसी भी कीमत में कम नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए, जैसा देखा होगा हनुमान जी को, जैसे लगा कि राम और लक्ष्मण इस समय मूर्छित हो रहे हैं, जिसको वो स्वयं भगवान मानते हैं, जिसको वो स्वयं अपना गुरु मानते हैं और कह रहे हैं कि इनको मूर्छा लगी है, इनके ऊपर दुष्ट प्रवृत्तियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, तो हनुमान जी ने ये नहीं पूछा कि मेरे को मंत्र जपना है, कि मेरे को पाठ करना है, कि मेरे को पूजा करना है। उन्होंने एक ही बात सोची है, इसके लिए क्या करना है। वो क्या करने के आदेश में हम सबको पता है कि उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर जा करके उन्होंने राजवेद को हिमालय से उठा करके जड़ी बूटी सहित ला करके उन्होंने राम लक्ष्मण की मूर्छा खोलने के लिए उपस्थित कर दिया। गुरु भक्ति इसको बोलते हैं, भगवान की भक्ति इसको बोलते हैं। गुरु को कभी कभी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए लौकिक दुनिया के कुछ कार्यक्रम भी करना पड़ते हैं, तो इन दिनों हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही प्रसंग है कि अब हमारी सबकी परीक्षा चल रही है। परम पूज्यनी, परम आदरणी, परम सद्या सेल दीदी, परम सद्य डॉक्टर साहब,
युग तीर्थ शांति कुंज के हमारे अग्रज भाई बहन और हमारे संपूर्ण विश्व में बसे हुए शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ चेतना केंद्रों में बसे हुए भाई बहन, इन दिनों किसी भी प्रकार का अपने मन में जरा भी हम लोगों को अपने गुरुधाम के प्रति, अपने गुरु के अभियान के प्रति, अपने श्रद्धा आस्था के प्रति मन में एक जरा भी मलाल और अविश्वास नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति जब प्रकट और प्रबल होने लगती है तो ऐसे समय में सारी शक्तियां गुरु की, आपने सुना भी उनका, आशंकाएं पैदा होती है, भ्रम पैदा होते हैं, तरह तरह के अपने मन में प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपकी अंतरात्मा खुद दे देगी। वो छह बातों को आप बार बार दोहराइए और इन चार बातों को बार बार सोचिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। वो पहले जो करते थे ना उससे ज़्यादा करो। कई बार क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग हमसे क्या प्रश्न पूछेंगे, लोगों को हम क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया कोई नहीं पूछती है, आप ही अपने अंदर एक अपना ओरा बना चुके हैं नेगेटिव एनर्जी का, अपने अंदर एक संकीर्णता का, एक भय का, एक भ्रम का, एक शंका का ओरा बना चुके हैं। मेरे से तो कोई ने भी नहीं पूछा कुछ अभी तक मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, किसी प्रकार का गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में कोई दरार नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने एक ही बात देखी है, मैंने कौन क्या कर रहा है ये कभी नहीं देखा, मैं क्या कर रहा हूँ मेरा गुरु मुझे देख रहा है। इतना तो कोई भी कर सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरा गुरु देख रहा है, मुझे उसको जवाब देना है। व्यक्ति को अपना जवाब अपने गुरु को देना है, तो आप तो अपना जवाब दो ना, अपने हिस्से का युग निर्माण करो ना, अपने हिस्से का राष्ट्र निर्माण करो ना। हम सब लोगों के ऊपर गुरुदेव के अनुरूप कार्य करने की, एक अंश प्रज्ञा अवतार का सहचर बनने की जो जिम्मेदारी, जो पात्रता विकसित करने की प्रेरणाएं गुरुदेव उनके साहित्य में देखे गए, ये तो मैंने कुछ अंश बताया। ये खंड नंबर एक जो है युग दृष्टा का जीवन परिचय का पूरा खंड नंबर एक, उसको आप विस्तार से पढ़ना, उसमें पूरा आपको और विस्तार से समझ में आएगा गुरुदेव माता जी का आखिर व्यक्तित्व क्या है, गुरुदेव माता जी की आखिर लीला क्या है। हम सब उनको कई जन्म जन्म लेकर के भी इस धरती पे शिष्य बन करके आएंगे तब भी उनको हम समझ नहीं पाएंगे, इतनी ऊपर की उन्होंने साधना कर रखी है। क्योंकि उन्होंने अपने आत्म तत्व का विस्तार विश्व आत्मा में बदल दिया। क्योंकि हमेशा कहा करते थे, मुझे एक दो की नहीं, मैं संपूर्ण विश्व आत्माओं के कल्याण की सोचता हूँ। इतनी बड़ी जिनके अंदर गुरु भक्ति हो, अपने इष्ट की भक्ति हो, और जीवन भर उन्होंने उस भक्ति को हम आपको खुली किताब के रूप में दिया है, मैं आप सबकी शिष्यत्व की यात्रा की पूर्णता के लिए जगत जननी वेद माता गायत्री से अंतःकरण की गहराइयों से प्रार्थना करता हूँ। और हम सब गुरु भाई बहनों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और हमारे अग्रज बड़े भाई बहनों का जो मार्गदर्शन समय समय पे मिलता है उसे हम पूरा करेंगे। हम आपकी दीक्षा जहाँ भी हुई होगी, जिस तारीख को भी हुई होगी, जिस स्थान को भी हुई होगी, जिन व्यक्तियों के द्वारा भी हुई होगी, वो एक केवल एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन अब उस घटना को, इन ब्रह्म बीजों को उस ब्रह्म बीज से जोड़ करके हमें इसके युग व्यापी समस्याओं के समाधान के लिए युग शक्ति के अवतरण की चेतना के साथ, ज्ञान क्रांति की मसाल के साथ जुड़ करके परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ये दिव्य अभियान की भाव भरी पुष्पांजलि आप सबकी गुरु पूर्णिमा पर हम भी यहाँ समर्पित करेंगे। अब भी अपने अपने घरों में अगला कार्यक्रम बड़ा अद्भुत रहेगा और उस कार्यक्रम को रखा है 2 जुलाई रविवार को और 2 जुलाई गुरुवार को, 2 जुलाई गुरुवार को हम श्रेष्ठ संतान कैसे प्राप्त करें। तो भाइयों बहनों 4 से 5 का कार्यक्रम रहेगा और मेरा अनुरोध है जिनकी 2020 में शादियां हुई है उन वर वधुओं को जरूर आप ये गोष्ठी सुनाना। उनके जीवन में पता लगेगा कि गुरुदेव भगवान ने मनुष्य में देवत्व का उदय खंड नंबर 2 में बहुत ही गंभीर बातें लिखी है कि मन चाही संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन माता पिताओं को अभी से उसकी तैयारी कैसे करना, और गर्भवती बहनों को आप जोड़ेंगे ताकि उनको हम
पंच महाभूतों से महापिंड से ऊर्जा कैसे ली जाती है, ऐसी कुछ भाव शक्ति की साधनाएं भी सिखाएंगे। और ये कार्यक्रम बड़ा अद्भुत रहेगा, मन चाही संतान, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए विभूतियों को जन्म देने की जिम्मेदारी भी गायत्री परिवार को ऋषियों ने दी है। हमारा गर्भ महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम है। तो आइए इस विचार क्रांति अभियान में युग निर्माण योजना के इस मंच पर मैं शिष्य हूँ कि भावनाओं को आपने सुना, मैं भी अभी एक जन्म जन्मांतरों के शिष्य की इस यात्रा को गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से, आप सबकी सहयोग और प्रेरणा से, जो भी कुछ हम गायत्री धाम में करते हैं रोज़ हम उसको अखंड दीपक को अर्पण कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ना जप रखते, ना पुण्य रखते, ना तप रखते, जो भी कुछ है दीपक को दे देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बैंक है कि वहाँ से कई गुना वापस मिल जाया करता है, ताकि विनम्रता बनी रहे, अहंकार बढ़े नहीं, और जो भी कुछ मिला है उनके अभियान के लिए मिला है, बस इस हाथ से लेते हैं, इस हाथ से दे देते हैं, इतना भाव तो करना ही पड़ेगा। गुरु उन्हीं को देता है जो उनके कार्य के लिए सक्रिय होता है। कई बार लोग बोलते हैं, बोले हमको गुरु कृपा कैसे बरसेगी, गुरु कृपा कैसे बरसेगी, उनके अभियान का काम करने लग जाओ, पग पग पर, पल पल पर गुरु कृपा की अनुभूति करो। जिन भाई बहनों ने भी करी है उनको यदि हम बुलवाने लगे तो शायद कागज छोटे पड़ जाए, साई कम हो जाए और पढ़ने वालों की आंखें थक जाए। इतना कुछ गायत्री परिवार के परिजनों को गुरुदेव माता जी ने दिया है। कब? एक तरफ से ऊर्जा आएगी, लेकिन पहले ऊर्जा खर्च करो। अब वहाँ से ऊर्जा तो आ गई, लेकिन आपने खर्च नहीं करे, इसलिए रख गया। नल खोला आपने, पानी आ गया, लेकिन पहले तो आपको उस टंकी में जो भरा हुआ पानी है, जल का स्रोत है, वो तो है, लेकिन पहले तो टोडी तो चालू करो। टोडी में पानी जब भी आएगा, जब आप टोडी को खोलेंगे, अभी हमने अपनी टोडी खोली नहीं, गुरु के काम के लिए हम दौड़े नहीं, गुरु के काम के लिए हम तड़पे नहीं, गुरु के काम के लिए हमने अपने जीवन में आत्म समीक्षा नहीं करी, अपने को अपने गुरु पुष्पांजलि के रूप में गुरुदेव के इस महाअभियान के लिए हमने क्या क्या किया उसकी चिट्ठी बना करके गुरुदेव के चरणों में रखना गुरु पूर्णिमा पे, फिर देखना। आइए हम सब मिलकर के शांति पाठ प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्यां च द्रविडं तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देवं, तुमेव सर्व मम देव देवा।